सर, जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, ये सर कितना खतरनाक है? कितना इसका इन्फेक्शन क्या है इसका? देखिए, ओमिक्रॉन ये जो नया वायरस सब लोग कह रहे हैं, एक्चुअली ये नया वायरस नहीं है। ये ऑलरेडी जो हमारा कोरोना वायरस या COVID-19 के नाम से जो जाना जाता है, ये ऑलरेडी पिछले 2 साल से चल रहा है। और हमारे देश में ये करीब फरवरी पिछले 2020 में फरवरी के आसपास ये आ गया था, और तब से इसमें कोई ना कोई वेरिएशन हो रहा है। वेरिएशन इसलिए होता है कि जब कोई वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि जब वो इन्फेक्शन किसी व्यक्ति में जाएगा तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है, और जितने मल्टीप्लिकेशन होंगे तो चांसेस होते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत म्यूटेशन हो। और वो म्यूटेशन ज़्यादातर इस तरह से होता है कि वो उसकी जो क्षमता होती है हमारे सेल से चिपकने की, उसको वो अपने हिसाब से इंक्रीज करता है। और यही हुआ कि इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है, जो हमारे वायरस के ऊपर जो एक स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो पहले ये अल्फा था, फिर डेल्टा के नाम से जाना गया, फिर बीटा, और ये सारे नाम डिफरेंट डिफरेंट आए, और फिर ये अभी जो नया नाम दिया है इसको ओमिक्रॉन WHO ने दिया है। इनके जो डिवीजन, इनके जो नाम रखे गए, वो नाम हमारे को इसलिए रखने होते हैं कि आप ये पता लगाएं कि ये जो पुराने वायरस से कितना डिफरेंट है, और उसमें जो चेंजेस हैं वो ज़्यादातर हमारे स्पाइक प्रोटीन पर हैं। तो ये देखा गया कि जो अल्फा था वो डेल्टा से कम इन्फेक्शस था। तो ये जो एमिक्रॉन है, ये ऑलमोस्ट 400 टाइम्स टू 500 टाइम्स ज़्यादा इन्फेक्शस है। और हम अगर लीथल की बात करें कि ये कितना खतरनाक है, तो अभी तक हमने ये देखा है कि ये इन्फेक्शन माइल्ड सीवियरिटी कर रहा है, माइल्ड इन्फेक्शन कर रहा है, और इसमें ज़्यादा डेथ्स नहीं हो रही हैं। तो जितना हमारे को डेल्टा से डेथ्स हुई, उतनी हमारे को नहीं लगता कि ओमिक्रॉन से इतनी डेथ होंगी। जी सर, अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थर्ड वेव आ रही है, तो क्या यही वो थर्ड वेव है जिसके लिए हम बात कर रहे थे? और क्या इसकी वजह से कुछ लॉकडाउन या ऐसी सिचुएशन बन सकती है फिर से? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम ये देखें कि इससे क्या थर्ड वेव आएगी, तो ये डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से ये इन्फेक्शन फैलेगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि इसमें एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, और इस तरह के नाम भी दिए जाते हैं। वो इस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा म्यूटेशन हुआ है, वो कितने म्यूटेशन हुए, और वो म्यूटेशन क्या इन्फेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, या फिर कोई लीदलिटी बढ़ा रहे हैं, या जो इम्यूनिटी हमारे शरीर में बनी है उसको बाईपास कर रहे हैं, तो या फिर उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो रहा है। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा अल्फा में प्रेजेंटेशन था, उससे थोड़ा डिफरेंट हमारा डेल्टा था, और उसके अंदर हमारे क्लिनिकल सिम्टम्स डिफरेंट हुए, और उसमें पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी कुछ ज़्यादा हुए। अभी इस नए वायरस के, नया जो वेरिएंट है, उसके बारे में कहना मुश्किल है जब तक कि हम इसको देख ना लें कि इसमें क्लिनिकल कैसे होंगे, लेकिन अभी तक जो देखा गया है उसमें माइल्ड ही है। हाँ, ये है कि ये क्या थर्ड वेव कर सकता है, तो ये हमेशा डिपेंड करता है कि क्या जिनमें ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है उनके अंदर दोबारा इन्फेक्शन करेगा। अगर उन सभी के अंदर दोबारा इन्फेक्शन करेगा, या जो लोग इम्यूनिटी जिनको मिल गई है, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, उनके अंदर भी इन्फेक्शन करेगा, तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो डेल्टा का था पिछली बार का जो था, वो हमारे देश में 27% देखा गया कि जिनको इन्फेक्शन दोबारा हुआ वैक्सीन वाले लोगों के अंदर। और यही चीज़ जब हमने देखी यूरोप के अंदर, तो वो 70% तक थी। तो ये अभी हमें नहीं पता कि जो वायरस है ये कितना लेवल इसका होगा वैक्सीनेटेड लोगों को इन्फेक्शन करने का, लेकिन अभी तक यही पता चल रहा है कि ये शायद जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको इन्फेक्शन हो पाएगा, दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। तो हो सकता है कि उन लोगों को जब इन्फेक्शन होगा, तो ये काफ़ी मात्रा में किसी भी पॉपुलेशन के अंदर होगा, और ये एक बड़ी रूप में आ सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था, उनको देखा गया कि दोबारा इन्फेक्शन नहीं हुए, इवन डेल्टा में भी नहीं हुए, और इसमें भी देखा गया कि दोबारा इन्फेक्शन उनको नहीं हुए। वैक्सीन वाले लोगों को इन्फेक्शन होता है, और उसके अंदर ये देखा गया कि सीवियरिटी कम हो जाती है,
तो इंटरेस्टिंग बात यह कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है या फिर जो नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको माइल्ड इन्फेक्शन होगा या बिल्कुल नहीं होगा तो ये लोग सेफ है, जिनको नेचुरल इन्फेक्शन है वो तो काफ़ी सेफ है। तो अब अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इसमें करीब 35 से 40 और 50% के करीब ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन लग चुका है, और नेचुरल इन्फेक्शन की बात करें तो ये भी काफ़ी संख्या में हो चुका है। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो उसमें 90 से 97% तक हमारे को सीरो सर्वेलेंस में पॉजिटिविटी मिली। तो इन लोगों को इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका था या वैक्सीन से लगा था, तो बहुत कम पॉपुलेशन बचती है जिनके अंदर ये इन्फेक्शन हो सकता है और उसमें सीवियरिटी हो सकती है। उसी तरह से नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो हमारे पास में 20% 15% के करीब लोग हैं जिन लोगों को शायद इन्फेक्शन ना हुआ हो उन लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। तो 20% या 15% पॉपुलेशन में कोई एक थर्ड वेव के रूप में बड़ी खतरनाक के रूप में आएगी ऐसा मैं नहीं समझता। अगर होगी तो इन्हीं लोगों के अंदर होगी या फिर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होगा जो कि माइल्ड तरह का होगा। अभी तक जो भी रिपोर्ट पूरे वर्ल्ड से आई है ये यही शो कर रही है कि माइल्ड तरह का इन्फेक्शन है। ऑल दो बहुत सारे देशों ने इसको रिपोर्ट किया और हमारे देश ने भी रिपोर्ट कर दिया है तो इन्फेक्शस है, कई गुना इन्फेक्शस है, इसलिए ये इन्फेक्शन उन लोगों में तक जरूर पहुंचेगा। मैं आपको एक ये बात भी बता दूं कि क्योंकि ये नया वायरस था जो नोवल कोरोना वायरस जो हमारा ही था तो सभी लोगों के अंदर इम्यूनिटी थी नहीं, ये सभी को होना था। अब चाहे वो वैक्सीन से हो या फिर नेचुरल इन्फेक्शन से हो तो सबको होना था। तो जो लोगों के अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ उनके अंदर भी डेफिनेटली इन्फेक्शन होगा। ओके सर, सर बच्चों के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि पिछली बार ये बात हो रही थी कि बच्चों में शायद इन्फेक्शन हो सकता है, तो अभी सर इस स्ट्रेन में कुछ ऐसा है पॉसिबल कि, और उसके वैक्सीन के लिए कुछ बताइए आप। देखिए हमने एक स्टडी की थी, हमने सफदरजंग हॉस्पिटल में स्टडी की थी और हमने देखा था कि क्या बच्चे और डिफरेंट जो एज ग्रुप है उनके अंदर इन्फेक्शन एक जैसा हुआ या डिफरेंट हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एज डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमारा अल्फा डेल्टा में एक जैसा ही था। तो ये कहना कि बच्चों के अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं है, डेल्टा के अंदर भी बच्चों में इन्फेक्शन हुआ। इसीलिए दिल्ली के अंदर जो सीरो सर्वेलेंस हुआ था उसमें 90% बच्चों के अंदर जो सैंपल लिए गए वो पॉजिटिव मिले। तो ये कहना कि बच्चों के अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ और ये जो नया वायरस जो नया वेरिएंट है ये स्पेशली बच्चों के अंदर होगा ऐसा नहीं मानता। घर के अंदर जब भी कभी इन्फेक्शन होगा अगर वो इन्फेक्शस एजेंट है तो डेफिनेटली वो बच्चों को इन्फेक्ट करता है। तो मैं ये नहीं मानता कि जो ये ओमिक्रॉन है ये बच्चों के ऊपर ही ज़्यादा काम करेगा या उनको इन्फेक्ट करेगा ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी सर, सर हमें कुछ प्रिकॉशंस क्या आप और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे इस स्ट्रेन वायरस के लिए? वही है, ज़्यादा इन्फेक्शस हो गया है तो हमें और ध्यान रखना है कि जो भी जो संपर्क के हमारे काम है जैसे एक दूसरे से मिलना, भीड़ भाड़ भाड़ जगह में जाना, शहर हमारे जो मार्केट एरिया है उसके अंदर जाना, तो वहाँ पर एक भी व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड हुआ तो वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है। तो जो लोग जिनके अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ है उनको ज़्यादा खतरा है, जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है डेफिनेटली उनको दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ऐसा ना कभी सोचे कि वो बहुत ही सेफ है क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डोज ऑफ द इन्फेक्शन। अगर वायरस की बहुत सारी डोज हमारे अंदर चली गई और हमारी एंटीबॉडीज कम पड़ गई तो डेफिनेटली हमारे को इन्फेक्शन होगा। तो इसलिए इस दौरान भी हमारे को ध्यान रखना है, सफाई रखें, जो भी हमारे कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं वो सारे आपको अपनाने हैं। तो कोई ऐसा स्पेशली इसके अंदर नहीं है कि आपको करना है, वही सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की आपको गाइडलाइन मिल रही हैं, जो आपको सलाह मिल रही है उनको देखते रहें, उनको पूरा पालन करें और इस ड्यूरेशन में कोशिश रहे कि अपने घर में रहें। अगर आपको कोई भी बीमारी हो गई है या कहना चाहिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप अपना जांच कराएं और अगर पॉजिटिव निकलता है तो बिल्कुल ना घबराएं। हमने ये देखा कि जब डेल्टा में इन्फेक्शन हुआ लोगों को इतना ज़्यादा पैनिक हो गए और पैनिक की वजह से लोगों के अंदर और ज़्यादा हमारे डेथ्स हुई या कहना चाहिए उनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इसके अंदर भी यही होगा कि माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है अभी तक, अगर लोगों के अंदर पैनिक हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको मैनेज करना।
देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।